संतों के पास में जाते हैं तो ऐसा विचार आता है कि संत हमारे को कोई विशेष प्रकार से कोई एक महत्व तो समझ करके माने ना, ना। संतों के यहाँ भगवान के यहाँ सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है। इसलिए संतों ने क्या कहा, संतों के पास में जाओ, होशियारी से नहीं जाना, सरल स्वभाव। क्योंकि बड़ों के पास में जाना, जितना झुक कर जाओगे उतना अपने को लाभ मिलेगा, और यदि कुछ बढ़ के जाओगे तो महाराज जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होगा। और जहाँ तक हो सके, कई कई लोग संतों के पास में जाएंगे, महाराज इतना बोलते इतना बोलते इतना, अरे बोलना नहीं, सीधी सी बात है, बड़ों के पास में संतों के पास में जाओ तो केवल मौन हो जाना बस, अरे वहाँ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं, चुपचाप बस उनकी कृपा हमारे पर बरसती रहे। परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज थे, उनके पास में लोग आते थे महाराज, और ये स्वाभाविक है, संतों के पास में लोग जाते हैं बस कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहते। क्यों? संतों का दर्शन ही, संतों का संग ही भगवान का भजन सार। इसलिए तो शास्त्र में आया साधुनाम दर्शनम पुण्यम, केवल संतों का संग और कुछ नहीं। अब बताओ नारद जी महाराज, नारद जी महाराज छोटी अवस्था में परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज सुनाया करते थे। बोले नारद जी महाराज की माँ को सांप ने काट लिया, तो काटते नारद जी महाराज खुश हो गए प्रसन्न। अब तो किसी को सांप काट जाए राजी होता है क्या? नहीं राजी हो गए। क्यों? बोला भगवान का भजन करेंगे, अब संतों के पास में जाएंगे। देख ये नारद जी महाराज, ये संकादि जितना भी संत महात्मा हुए और हैं और होंगे, ये सब आपस में एक दूसरे को कथा, एक दूसरे को सत्संग की चर्चा, एक दूसरे को भगवान की चर्चा करते और सुनाते। जैसे अपने लोग यहाँ पर गीता भवन में करीब करीब 12 महीना यहाँ सत्संग होता है, इसी प्रकार संत महात्मा भी भगवान की कथा और चरित्र सुनाते हैं। तो बात बता रहा था, संतों के पास में जाओ तो महाराज किसी प्रकार की मांग नहीं रखना, बस केवल एक ही मांग, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। इसलिए भगवान के प्यारे भगत भगवान से क्या मांगते हैं कि महाराज आपके जो प्यारे प्यारे भगत हैं, संत हैं, उनके दर्शन हो जाए, यही मांगते थे।